मैडम, आज हमको पता चला कि पी के सब इतना लड़खड़ाता काहे है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूँ आसिया। झारखंड में उत्पाद विभाग ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक योजना पर काम शुरू किया है। झारखंड सरकार ने शराब के जरिए राजस्व बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को परामर्शी एजेंसी चयन करने का फैसला लिया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नंबर वन बतक्कड़ लाल बुझक्कड़, जो बूझे ना बूझे पर बोलते जरूर हैं। हाँ जी लाल बुझक्कर जी, कैसे हैं आप? मैडम, जैसन रोज रहते हैं वैसने आज भी हैं लाल बुझक्कर, पर यहाँ ये योजना के सुन के मारे खुशी के नाच रहे हैं बहुत सारे पियक्कड़। अच्छा, क्यों भला वो खुश क्यों हैं? खुशी का सबका अपना अपना कारण है मैडम। अच्छा, तो कुछ कारणों पर प्रकाश तो डालिए। मैडम, का डाले हम ये योजना पर प्रकाश, बढ़ गया है अब होम डिलीवरी का आस। ये पर ढेरे ढारे वाला लोग कह रहे हैं ठोको ताली। अरे भाई, ऐसा नहीं है। आईपीआरडी ने साफ कर दिया है कि होम डिलीवरी की खबर भ्रामक है। मतलब नो होम डिलीवरी मैडम? जी हाँ, नो होम डिलीवरी। हाय रामा, ये का हुआ? सोचा था का हो गया। क्या हो गया? गजब भयो रामा, जुलुम भयो रे। अब किसके साथ जुल्म हो गया लाल बुझक्कर जी? गटके वाला लोग के साथ मैडम। जब से होम डिलीवरी का सुना था ना, सब टेढ़ा होके हाय करके बैठा रहा। अब बेचारा फेन उसे सीधा होके बैठ गया। वो का कहते हैं, पुनः मुसीको भवा। अच्छा मैडम, झारखंड में मिलता तो रहेगा ना? हाँ हाँ, झारखंड में शराबबंदी की कोई योजना नहीं है, इससे राज्य को राजस्व भी तो मिलता है। मैडम, आज हमको पता चला कि पी के सब इतना लड़खड़ाता काहे है। अब आप फिर बात को कहां से कहां ले गए। मैं यहाँ राजस्व की बात कर रही हूँ और आप लड़खड़ाने पर आ गए। वैसे अब जब आपको ये दिव्य ज्ञान आ ही गया है, तो बता ही दीजिए आदमी पीकर लड़खड़ाता क्यों है? उस पर अर्थव्यवस्था बढ़ाने का बोझ जो है मैडम। अब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको मैडम ये बकवास लग रहा है? तनी एक बेर 50 किलो का बोरा उठा के चलिए ना, पते चल जाएगा। देखिएगा, कभी पैर इनने जाएगा तो कभी ओने। यहाँ तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का बोझ है मैडम वो बेचारा पर। ऐसे में लड़खड़ाएगा नहीं तो क्या करेगा है? बताइए तो तनी। फिर बकवास कर रहे हैं ना आप, छोड़िए ये सब। बताइए इस योजना को आप कैसे देख रहे हैं? फंटास्टिक योजना है मैडम। हम ही सोचिए मैडम, जे लोग फाटल गंजी पहनते हो, अपना घर बार खेत कल्याण स्वास्थ्य हंसी खुशी सब का त्याग कर रहे हो, केकरा खातिर? अपना खातिर नहीं, राज के अर्थव्यवस्था के खातिर। तो हम तो कहते हैं मैडम, लेवे वाला लोग का ना ख्याल रखना चाहिए। अब कुछ लोग फालतुए में वो लोग का विरोध कर देते हैं। आप ना बकवास बहुत करते हैं। अर्थव्यवस्था को संभाले वाला लोग का ख्याल रखे के बात को बकवास कैसे कहा जा सकता है मैडम? बकवास सच में बंद कीजिए और विषय पर आइए। विषय पर आते हैं, पर कहीं बिहार जैसन यहाँ भी तो नहीं ना मैडम? आपको पता है ना, मंत्री जी ने बिहार सरकार की शराबबंदी की हालत का हवाला देकर ही झारखंड में शराबबंदी से साफ इनकार किया है। तो एमे कौन गलत बात है? हम तो मंत्री जी के बात से सहमत है। सहमत का हम तो उसका पालन भी किए। आप क्या पालन किए हैं? अरे मैडम, मैट्रिक में थे हम, हमसे सीनियर एगो लड़िकवा था, वो 3 बेर मैट्रिक में फेल हुआ। ई देख के ना हम एग्जाम नहीं दिए, हमको लगा हम वो पास नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई, आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी ना, हो सकता आप उससे बेहतर करते, अच्छी तैयारी रहती आपकी तो। अब हम आपका बात माने कि मंत्री जी का है, वो बिहार का हालत देखकर न कह रहे हैं कि झारखंड में लागू नहीं होगा। भाई हम तो उनकर बात माने का बुझी। आपकी बातें ना लाल बुझक्कर, आप ही बुझो। फिलहाल तो सबकी नजर इस पर बनी है कि कंसल्टेंसी एजेंसी राजस्व बढ़ाने के लिए आखिर क्या सलाह देती है। तो फिलहाल मुझे और लाल बुझक्कर को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप।